लो गाइस, फाइनली मैं ले आया अपना जो मुझे लाना था रुमाल कुर्ते पर डालने के लिए। ये लो। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज की दिन की शुरुआत हो रही है सहरी के टाइम से, बहुत टाइम के बाद सहरी से आपको दिखाएंगे। तो मम्मा क्या कर रही हैं? अभी हमारे लिए रोटी मल रही हैं, क्योंकि हमारे जो पापे पहनते वो खत्म हो चुके हैं, एंड होते होते हम जा नहीं पाए लेने के लिए। हमने कहा था ले आना, भूलो, अब तो खाना पड़ेगी आपको रोटी। कोई बात नहीं, मजा आ जाएगा। दूध निकल के आ चुका है, बस इतना ही है इनका खाना। और ये रखी हुई हमारी अंजीर। मिक्सर मशीन तो हमारी आई नहीं है, जिससे हम पीस के खा सकते हैं। कोई हमारे मामा के आगा हो तो सिफारिश कर देना कि हमारी मिक्सी संभाल दे। तो हमारी रोटी मल दी गई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और मम्मा ने तहज्जुद की नमाज भी अपनी कम्प्लीट कर ली थी। मैं सो रहा था आराम से, मम्मा पढ़ रही थी। आप भी पढ़ लिया करो। मैं नहीं पढ़ूंगा भैया, आप पढ़ो। मैं नहीं पढ़ूंगा भैया, हमारी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, एडिटिंग करते करते थक जा रहे हैं, रात तो बहुत लेट हो गए। ठीक है, तो आप खा लेते हैं जल्दी से, तो इसके बाद चलेंगे नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है। और गाइस, अभी सहरी का टाइम जो है खत्म हो चुका है, हमने तो कर लिया। मम्मा जो है दांत मांज रही हैं जल्दी जल्दी से, बाकी अब करते हैं नमाज की तैयारी। तो ठीक है गाइस, निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। आ गए मम्मा, जा रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वो तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह। मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम। पढ़ाए हम नमाज फाइनली। ठीक है मामा, आप कुरान पढ़ लें। ठीक है, आप पढ़ लें पहले, हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा लग रहा है एक ही कुरान है। ठीक है गाइस, थोड़ा सा पारा पढ़ लेते हैं फिर चलेंगे बाहर साइकिल चलाने। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सोने होने की नहीं हो रही है। नो 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 नो, साइकिल चलाऊंगा, साइकिल चलाऊंगा। बाकी गाइस आप देख सकते हैं, अब जो दिन है वो निकल चुका है, 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो अब चलते हैं साइकिल चलाने के लिए। ठीक है मम्मा, निकल जाऊंगी। आपको नहीं मालूम, आपका पारा हुआ नहीं है अभी तक पूरा, दूसरा शुरू कर लिया। अफा, हमने गाइस पढ़ भी लिया पारा, आप जल्दी से चलते हैं साइकिल चलाने के लिए एंड देखते हैं बाहर के व्यू। ठीक है, बाय बाय दादा। ऑलराइट गाइस, तो साइकिल लेकर निकल पड़े हैं हम, तो गाइस सामने से होते हुए स्टेशन तक चलेंगे। ईद के बाद देखते हैं यहाँ से कौन सी ट्रेन पकड़ी जाएगी। ये आ गया हमारे गंज का नन्ना पन्ना पार्क, बस आराम से झूला झाली करो, मुंह फोड़ के आ जाओ। तो वापस चलते अपने तिराहे पर। अरे भाई साहब, आ गया मैं। मम्मा ठीक है, आ गए? हाँ यस। मम्मा के तरफ तो पारी पारे चल रहे हैं। अब तो मैं भैया अपने जा रहा हूँ छत पे। ठीक है मम्मा। अरे भाई साहब, तो फाइनली अपने स्टूडियो में आ चुके हैं, अब अपने काम पर लगते हैं। तो फाइनली गाइज, हो चुका है दिन ठीक ठाक, मतलब हमने आराम भी कर लिया, थोड़ा बहुत काम भी कर लिया, और अभी बज रहे हैं 10:30। तो मैं अब जा रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि हमारा जो न्यू फोन है उसका कवर ग्लास ये चीजें डलवाना है। फिर उसके अलावा मैंने जो कुर्ता खरीदा ना, उसके लिए मैं लेकर आऊंगा अपने लिए एक रुमाल स्टॉल बढ़िया सा डालने के लिए, ताकि शाहरुख खान लगे अपनी। और बाकी ये देखो, ये आराम कर रही है मम्मा हमारी। ठीक है मम्मा, जा रहा हूँ शॉपिंग करने। पढ़ते पढ़ते थक गए तो आराम करें। मम्मा ने पारे बहुत पढ़े क्योंकि काम में भी बिजी रही थी, अब पारे भी पढ़ रही, बहुत मेहनत पड़ रही है। ठीक है गाइज, मैं निकलता हूँ। मम्मा जा रहा हूँ। ठीक है, तो निकलते हैं और चलते हैं। चलो भैया, यस यस, लो करो पैक, पन्नी में डाल दो। कैसे कैसे कलर है कवर में? अरे बाप, अस्सलाम वालेकुम। लो गाइस, फाइनली मैं ले आया अपना जो मुझे लाना था रुमाल कुर्ते पर डालने के लिए। ये लो, देख लो कवर की डिजाइन कितना सुपर्ब लग रहा है ना। तो गाइस अब हो चुका है जोर का वक्त, और मैंने बुजू वगैरह कर लिया है, और मम्मा देखो अंदर बेचारी सोए पड़ी है, वो कुरान पढ़कर थक गई, काम भी किया था, मतलब सहरी से जाग रही थी। अड़ो नमाज पढ़ना, नमाज टाइम हो चुका है, जमात खड़ी होने वाली होगी, अपन तो निकलता है भैया यहाँ से। ठीक है मम्मा, जा रहा हूँ। फाइनली गाइज, हम लौट आ चुके हैं नमाज पढ़ के, और मम्मा सो रही हैं बेसारी, चलो उन्हें कुछ सोने देते हैं। ठीक है तो गाइज, मैं तो नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा सा सो लिया, मैं बहुत थक गया था इसलिए। मम्मा तो खूब सोई, अब उठ गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी क्यों उठे हैं आप, तो सो रहे थे, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा। अच्छा, अब प्याज काटने में भी लग गई है बेचारी। बेचारी लगता है फिर से चिकन बनेगा, है फिर से बनेगा क्या?
खुद ही कह के और लगता हो जाते। गाइस यहाँ पर चिकन बनना स्टार्ट हो चुका है और ये रखे हुए हैं चिकन के लिए मसाला। तो असर का टाइम हो चुका है नमाज पढ़ने के लिए, हम निकलते हैं। मम्मा खड़ी भी हो गई नमाज पढ़ने के लिए, अब हम निकलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हो गई भैया हमारी नमाज और मम्मा लगी पड़ी हैं काम में। इधर पता नहीं क्या क्या बन रहा है, देखते हैं इधर। ओहो पकौड़े यहाँ पर फ्राई होकर रख चुके हैं, कितने जबरदस्त लग रहे हैं। और गाइस यहाँ पर नमाज भी रेडी हो चुके हैं। और ये देखो गाइस, जो सारा सामान है इफ्तारी का सब कुछ कंप्लीट रखा पड़ा है। तरबूज, चिप्स, मिर्चें, पकौड़े, कचौड़ी और ये जलेबियाँ तो टूट गई है। अर्ज का कमाल है ये, अर्ज का। तो गाइस फाइनली जो दस्तरखान है वो लग चुका है यहाँ पर। वो तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, मेहरबान वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहु अल्लाह, उसके सब निशान है। तो गाइज अब अजाने होना स्टार्ट होने वाली है, बस टाइम हो चुका है, बस होनी वाली होगी एक ना एक मस्जिद में, जैसे ही होगी वैसे ही गपक कर लेंगे। तो ठीक है गाइज, हमने इफ्तार कर लिया है और अजान हो चुकी है, मतलब नमाज को जा रहे हैं जल्दी से। मम्मा रह जा रही हैं, बाकी आप पढ़ लेना है, हम आते हैं। फाइनली गाइज मगरिब की भी नमाज कम्प्लीट हो चुकी है और वहां पर देखो मम्मा आराम कर रही है भी सारी। तो अभी गाइस आ चुके हैं मार्केट में एंड मैं पीने के लिए आया हूँ वो ठेले पर जो वो मिलता है, क्या नाम है इसका, दो बोतल निकाल दो। दूध की स्पेशल ठंडी बोतल। ऑलराइट गाइस, दिल को सुकून मिल गया पीने के बाद ठंडा ठंडा दूध का गिलास, सॉरी बोतल। तो ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग कहीं पर एंड कर देते हैं। सबसे पहले आपके कमेंट पढ़ देते हैं। सबसे पहला कमेंट है रम खान का, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कह रही है माशाल्लाह बहुत अच्छा फोन है, अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी जिंदगी दे, आमीन। मेरे भी दो बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं, दुआ करना। तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। और फिर इसके बाद कमेंट है VMS पिक्चर का, कह रहे हैं यार बहुत तरक्की करोगे एक दिन, मेरा दिल बोलता है। तो शुक्रिया, अच्छा बोलता है आपका दिल इंशाल्लाह, बिल्कुल हमारा भी बोलता है, इसीलिए लगे हुए हैं। फिर इसके बाद कमेंट है सालार शाह का, वो कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आरिज भाई, तो थैंक यू, शुक्रिया। फिर अलशफा फुरकान का कमेंट है, कह रही है नाइस फोन नाइस ब्लॉग, थैंक यू, शुक्रिया। फिर है जुनैद अंसारी का, वो कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आरिज भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हर्षित फोटोवर्क भी कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन रॉक स्टार ब्रदर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। रियाज खान कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू फोन आरिश भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फिर वाहिद खान हमारे चाचा आकिब ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, न्यू फोन मुबारक हो भाई। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत, नया फोन बहुत बधाइयां आएंगी। मिस्टर सैफो कह रहे हैं आपके पापा कुछ नहीं बोलते हैं क्यों, हमेशा लोग पूछते हैं क्यों नहीं बोलते, ये भी लगा दिया हमने बोलने वाला, खामोश कम बोलते हैं पापा कैमरे के सामने जी, वैसे तो बहुत बोलते हैं हम, बार बार कहते हैं इस बात को। फिर पाकिस्तानी ड्रामा कह रही है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू फोन, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फिर उसके बाद कह रहे हैं केजी गेमर, वो कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू फोन एडवांस में 600 सब्सक्राइबर के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत, दुआ करें और बढ़े। फिर उसके बाद सिमरन का लास्ट कमेंट है, वो कह रही है नए मोबाइल की बहुत बहुत मुबारक सभी को, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो आज के ब्लॉग पर इतने ही कमेंट थे और सही आए कमेंट, और ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना बिल्कुल। बाकी आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी बताना कमेंट में, और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो ताकि जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर हमारे बढ़ जाए, और बाकी इसको लाइक करना और चैनल बनाया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय।